नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक भटनागर। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक भटनागर में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपनी जो फेल्ड फाइल्स है, डाउनलोड फाइल्स है, उसको हम कैसे रिज्यूम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी फाइल्स जो होती हैं, जो 4 GB की या 6 GB की, 8 GB की या जो भी बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, आप उनको डाउनलोड करते हैं और वो आपके जो नेटवर्क है जो फेल्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपको रिज्यूम आप नहीं कर पाते हो डाउनलोड का, और उससे आपका काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी आपका नेट भी जाता है। तो मैं आपको इसी ट्रिक के बारे में आज बात करूँगा कि आप कैसे अपने जो डाउनलोड्स उनको रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे 5 वीडियोस हैं, ठीक है, और इसमें से मैंने ये 5 डाउनलोड पे लगाई थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी 2-3 वीडियो जो है वो फेल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपको यही दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको बता दूँ, इसके लिए आपको फायरफॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फायरफॉक्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा ब्राउज़र, और इसमें जैसे कि मैंने ये डाउनलोड फाइल्स है, तो आपको मैं एक दिखा दूँ करके। जैसे कि मेरा P4 है, P4 मेरा फेल्ड दिखा रहा है, ठीक है। मैं P4, आप देख सकते हैं P4, ये P4 की 3 GB फाइल है मेरी, ठीक है। मैं इसको अगर डायरेक्ट यहीं से रिज्यूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखेंगे अब ये फेल्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये रिज्यूम नहीं, मेरा डाउनलोड रिज्यूम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पे 0 बाइट दिखा रहा है, मतलब कि ये वीडियो मेरी प्ले नहीं होगी। आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं P4 कर रहा था, ठीक है, ये मेरी फाइल जो है रिज्यूम नहीं हुई है। अब मुझे ये अगर मैं डाउनलोड करूँगा, ये मुझे फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं 0 KB भी दिखा रहा है इसका साइज। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ आप रिज्यूम कैसे करेंगे। तो जैसे कि दे लेते हैं ये P2 वाली भी मेरी जो है वो 4 GB की वीडियो है, ये भी डाउनलोड फेल्ड हो गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिज्यूम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये आपकी P2 है, आप गए जहाँ पे आपकी डाउनलोड और फाइल कर रहे थे। जैसे मैं फायरफॉक्स के फोल्डर के अंदर डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 फाइल दिखेंगे ऐसे, L14P2 और L14P2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये मैं मैक में कर रहा हूँ, चाहे विंडोज़ हो चाहे मैक हो, दो हर जगह पर अप्लाई होती है ये ट्रिक, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करके मैं इसको यहाँ पे किसी दूसरे फोल्डर में यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कट करके इसको दूसरे फोल्डर में रख दिया है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, वहीं पे जाऊँगा, ठीक है, वहीं पे जाऊँगा मैं। इसको क्या करूँगा, यहाँ से जो इसकी हिस्ट्री है इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है, रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। रिमूव फ्रॉम हिस्ट्री कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे दोबारा डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। डाउनलोड करूँगा, 4 GB की फाइल आप देख सकते हैं, मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पॉज कर दूँगा। मैं पॉज करने के बाद आप देखते हैं अभी 12 MB डाउनलोड हुई है, ओके। पॉज करने के बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने वो वीडियो की जो फाइल रखी थी, मैं उनको कॉपी यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। दो आप देख सकते हैं 2 फाइल बन चुकी है L14P2 की, मैंने यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करा, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, आप देखते रहना अभी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं रिज्यूम कर दूँगा, ठीक है। फील्ड हुआ, आप इसको दोबारा रिज्यूम करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल है वो 1.3 GB से डाउनलोड होना शुरू हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरी फाइल जो है वो अभी 12 MB थी, अब 1.3 GB आ रहा है, मतलब मेरी जितनी फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी थी वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ये फाइल को। तो जी आप देख सकते हैं कि हाँ, ये देख आप देख सकते हैं ये मेरी जो L14P2 है ये पूरी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी ट्रिक, क्या फायरफॉक्स से कैसे अपने डाउनलोड को रिज्यूम कर सकते हैं और अपना आप टाइम सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।